हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास फिफ्थ में चैप्टर नंबर 8 विशेषण के पाठ को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने आपको इस वीडियो में आपको बताया था कि विशेषण क्या होते हैं और उसकी परिभाषा आपको लिखाई थी। आज हम आपको इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उसके भेद के बारे में पढ़ाएंगे। तो विशेष सब बच्चे अपनी अपनी बुक को ओपन करेंगे और पेज नंबर 38 खोलेंगे और रीडिंग करेंगे, ध्यान से समझेंगे भी। तो अब हम आज करेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। इसे आरेख को ध्यान पूर्वक देखिए व समझिए, मतलब इसको देखिए और समझिए। विशेषण के कितने भेद हैं? 4। सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण यानी जैसे सुंदर है, आकर्षक है, ये हो गया उसका गुण, ये उसकी विशेषता। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक जिसमें हमें मालूम हो कि ये कितना है, कितनी संख्या में है, कुछ है, अनेक है, एक है, दो है या 10 है। जहाँ पर वाक्य से जिस संख्या का पता चलता है उसे हम संख्यावाचक। ऐसे ही नंबर 3 है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में यह, वह आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 है परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें परिमाण यानी मापतौल की जाती है। जैसे 1 लीटर, 2 लीटर, 1 किलो, 2 किलो किसी भी वस्तु के लिए कहा जाता है, वो हो गए परिमाणवाचक विशेषण। तो ये हो गए आपके विशेषण के 4 भेद: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। अब हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार तथा अवस्था का बोध कराने वाले गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखिए, जहां संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम वही होते हैं जैसे किसी व्यक्ति वस्तु का नाम। सर्वनाम वह, तुम, आपके, मैंने, किस, उसके, उस, उनका आदि, ये सर्वनाम शब्द होते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार। गुण का कहे काली है, मतलब ये अच्छी है, बुरी है, इस काले रंग की, कि उसका रूप कैसा है। रंग यानी वह काला है, गोरा है, आकार मोटा है, पतला है, लंबा है, चौड़ा है, मतलब ऐसी अवस्थाओं का मालूम पड़ता है, वो वहाँ होते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे देखिए आपके चित्र के अनुसार यहाँ पे भी दिया गया है, रवीना एक सुंदर लड़की है, यानी सुंदर रवीना का गुण है, विशेषता है। यह विशाल पेड़ है, विशाल वृक्ष है, यानी बहुत बड़ा पेड़ है। तो वृक्ष की विशेषता क्या हो गई? विशाल। यानी यहाँ यह सर्वनाम शब्द की क्या विशेषता है? पेड़ का बड़ा होना। और यहाँ संज्ञा की क्या विशेषता है? लड़की का सुंदर होना। ठीक है, अब इसके आगे हम इन्हें पढ़ेंगे गुण। गुण क्या है? चतुर, मूर्ख, कुशल, मनचंचल, कोमल, चाला। रूप क्या है? जैसे सुंदर होना, अच्छा, भद्दा या गोरा। रंग क्या? काला, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, लाल, जो भी है। आकार पतला, लंबा, चौकोर और गोल। अवस्था जैसे बीमार है, कमजोर है, स्वस्थ है, युवा है, ताकतवर है, जैसे जैसे। नंबर 2 है संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा शब्दों की संख्या के बारे में बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेज पर 4 गिलास रखे, यानी 1, 2, 3, 4 गिलास रखे, हमें संख्या मालूम पड़ रही है कि 4 है या 5 है या 6 है। तो जहां पर हमें संख्या का ज्ञात हो, संख्या ज्ञात होती है, वहां होता है संख्यावाचक विशेषण। जैसे बस में कुछ आदमी हैं, कुछ आदमी हैं, यानी कुछ संख्या में ही आ जाते हैं, तो कैसे, तो वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। नंबर 3 है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण में नापतौल की जाती है। जैसे संज्ञा शब्दों की माप या तौल बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मापतौल जैसे मुझसे थोड़ा दूध गिर गया, थोड़ा गिर गया, ज्यादा है, थोड़ा है, कम है, ये हमें मालूम पड़ रहा है। मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो यानी माप 2 मीटर, मीटर यानी माप हो गई। तौल यानी जैसे 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 8 किलो, ये हो गए तौल। तो जहां पर हमें माप का, उसके तौल का, उसके मतलब
भजन का मालूम पड़ता है वो होता है परिमाणवाचक विशेषण। नंबर चार है सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताने वाले सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा से पहले लग के, यानी कि जैसे मान लीजिए संज्ञा में तो हम किसी का नाम लेते हैं और उसकी जगह पे हम लिखते हैं वह, यह। जैसे हमने कहा रवीना, रवीना की जगह हमने लिख दिया वह सुंदर लड़की है, तो वो होते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह यह पुस्तक मुझे दे दो, आज हम इस लड़के ने ट्रॉफी जीती, आज इस लड़के ने ट्रॉफी जीती। यानी ये जो है सर्वनाम की जगह प्रयोग, संज्ञा की जगह इनका प्रयोग हुआ, वो सार्वनामिक विशेषण होते हैं। कुछ विशेषण शब्द इस प्रकार भी बनते हैं, जैसे संज्ञा और विशेषण क्या है। जैसे संज्ञा राष्ट्र, राष्ट्रीय, प्यास, प्यासा, भूख, भूखा, दिन, दैनिक, दया, दयालु, ये हो गए विशेषण। रंग, रंगीन, चमक, चमकीला, बनारस, बनारसी, भारत, भारतीय, ज्ञान, ज्ञानी। अब आता है उसके बाद आपका प्रविशेषण। अभी हमने पढ़ा विशेषण, अब है प्रविशेषण। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे अंगूर थोड़े खट्टे हैं, यानी विशेषण शब्द की विशेषता। विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता। जैसे अंगूर थोड़े खट्टे हैं, यानी कि विशेषण क्या है इसमें, खट्टे, और वो खट्टे कितने, थोड़े। यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले प्रविशेषण होते हैं। ऐसे खाना बहुत गर्म है, गर्म है विशेषता है, लेकिन कितना गर्म है, कम है, ज़्यादा है, बहुत है, तो ये बहुत जो बताया गया है वो प्रविशेषण हो गया। आगे आपका उपरोक्त वाक्यों में थोड़े और बहुत विशेषण भी हैं और खट्टे व गर्म की विशेषता भी बता रहे हैं, इसीलिए इन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो बच्चों आज ये आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट। आज के लिए हम इतना ही आपको पढ़ाएंगे, कराएंगे। आपको सभी बच्चों को अपने चैप्टर नंबर 8 विशेषण की रीडिंग अच्छे से करनी है और उसको लर्न भी करना है, परिभाषाओं को भी और भेदों को भी। आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो, थैंक यू।